बुलेटिन के पेश करता है काका जी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव मोती गली चौमहल्ला पैलेस रोड हैदराबाद। आदाब, आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज और मैं हूं फरहाद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। कोरोना वायरस का बढ़ता जा रहा है कहर, दुनिया भर में 11,000 लोगों की मौत। भारत में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद बढ़कर 300 के पार हुई। पीएम मोदी के जनता कर्फ्यू पर नगमा ने किया तंज, कहा ट्रंप के दौरे पर 120 करोड़ रुपए खर्च किए लेकिन कोरोना वायरस के लिए सिर्फ ताली और थाली। कल तेलंगाना में सुबह 6 बजे से 24 घंटों का जनता कर्फ्यू, सीएम केसीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, लोगों से ताउन की अपील की। कल बस और मेट्रो सर्विस भी रहेंगे बंद, कमिश्नर अंजनी कुमार और केटीआर ने भी की आवाम से घरों में रहने की अपील। तेलंगाना में फिर दो गैर मुल्की लोगों में पाई गई कोरोना वायरस की अलामतें, काजीपेट में दो अफराद को कोरोना के शक में ट्रेन से उतार दिया गया। और कल जनता कर्फ्यू के पेश नजर सब्जी मंडी और किराना शॉप पर लोगों का खरीदारी के लिए हुजूम, बढ़ती कीमतों पर जाहिर की शदीद नाराजगी। ये हेडलाइंस, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से अब तक 11,000 लोगों की मौत हो चुकी है। सिर्फ चीन और इटली में ही 6,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। भारत में भी ये वायरस तेजी से फैल रहा है। मुल्क में अभी तक 287 मामले सामने आ चुके हैं, इनमें भारतीयों के साथ साथ कुछ गैर मुल्की नजाद के शहरी भी हैं। भारत में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद बढ़कर 287 हो गई है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस सामने आए हैं। खतरनाक कोरोना वायरस के खिलाफ पीएम मोदी के जनता कर्फ्यू की कॉल पर एक्ट्रेस और पॉलिटिशियन नगमा ने वजीर आजम पर तंज किया है। नगमा ने ट्वीट करते हुए कहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दो रोजा दौरे पर ही पीएम मोदी ने 120 करोड़ रुपए खर्च किए लेकिन कोरोना वायरस के लिए सिर्फ ताली और थाली। एक दिल को कितनी बार जीतोगे मोदी जी। नगमा का ये ट्वीट काफी वायरल हो रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से कल 22 मार्च को जनता कर्फ्यू की कॉल पर तमाम रियासतें तैयारियां कर रही हैं। इसी जीवन में आज सीएम केसीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कल की तैयारियों के बारे में बताया। कैसी रहेंगी ये तैयारियां, क्या रहेंगे खुले और किन किन पर रहेगी पाबंदी, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने 22 मार्च को वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से कोरोना वायरस के खिलाफ मुल्क भर में जनता कर्फ्यू मुनक्कद करने के प्रोग्राम को कामयाब बनाने की आवाम से अपील करते हुए कहा कि वो 22 मार्च को रजाकाराना तौर पर अपने अपने घरों में रहें। केसीआर ने 22 मार्च को सुबह 6 बजे से दूसरे दिन 6 बजे तक का 24 घंटे के बंद का ऐलान कर दिया है। इस जमन में उन्होंने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को हिदायत दी है कि वो जिला कलेक्टर्स और एसपीज के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करते हुए जनता कर्फ्यू को कामयाब बनाने के इकदाम करें। आइए एक नजर में देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम केसीआर के फैसले के मुताबिक कल जनता कर्फ्यू के दिन क्या खुले रहेंगे और क्या बंद। कल सुबह 6 बजे से परसों सुबह 6 बजे से कोई भी बाहर मत निकलिए। 60 साल के ऊपर जो लोग हैं वो निकले ना कुछ हफ्तों तक, और 10 साल के नीचे जो छोटे बच्चे हैं वो भी नहीं निकले कुछ हफ्तों तक। कल तो ऑटो से लेकर आरटीसी हमने बंद किया, मेट्रो रेल बंद किया, हर सहूलत बंद किया सिवाय दूध, मेडिसिन, पुलिस सेवाएं, हमारे पत्रकार लोग, वाटर सप्लाई, पावर सप्लाई, ऐसे चीज ऐसे सेवाएं उपलब्ध होंगे, दवाखाने खुले रहेंगे, बाकी हर चीज बंद किया जाएगा। इसलिए मैं हर एक शहरी से हर एक नागरिक से प्रार्थना करता हूं कृपा करके अपने घर में सीमित रहे, कल बाहर नहीं निकले। प्राइवेट शॉप्स रहेंगे बंद, आरटीसी बसेस और मेट्रो भी रहेंगे बंद, ऑटो टैक्सी और मॉल्स बंद रहेंगे, इमरजेंसी सर्विसेज रहेंगे खुले,
मेडिकल शॉप्स और पेट्रोल पंप रहेंगे ओपन। मिल्क और तरकारी के शॉप्स भी ओपन रहेंगे। इसी तरह हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने भी मीडिया के जरिए आवाम से अपील की है कि वो कोरोना वायरस जैसे मोहलिक मर्ज के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। इस लड़ाई में हैदराबाद शहर अव्वल नंबर पे है। इसके साथ साथ कल शाम को 5 बजे जो हमारे इसेंशियल सर्विसेज के लोग काम कर रहे हैं, जैसे हेल्थ सर्विसेज के लोग हुए, उनके काम को अप्रिशिएट करने के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए अपने बालकनी में निकलकर, अपने छत पर जाकर 5 मिनट के लिए ताली बजाकर, गाना गाकर उनका एनकरेजमेंट जरूर करें। यह एक ऐसा समय है जिसमें हमारे पूरे देश को एक रहना है। हर बच्चा, हर इंसान, हर लेडी, हर बुजुर्ग, हर लोग मिलकर ये जो एक चेन ऑफ इन्फेक्शन है उसको रोकना है। चेन ऑफ इन्फेक्शन रोकने का ये कल सबसे बड़ा कदम होगा कि 24 घंटे तक के लिए हम लोग सब कुछ बंद रखेंगे। इससे आगे मैं आप लोगों को पर पूरा भरोसा करता हूं कि आप लोग इस चीज की सीरियसनेस को समझेंगे और एक जिसको कहते हैं वॉर स्तर पर जो काम होता है, वॉर लेवल पे, वैसा काम करके हैदराबाद का नमूना पूरे देश के सामने पेश करेंगे। ऐसे में तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने कहा है कि कोरोना वायरस के सबब समाजी तौर पर खुद को दूर रखने, खुद को अलग थलग रखने की जरूरत है। केटीआर ने ट्वीट में कहा कि हांगकांग, सिंगापुर और जापान कोरोना वायरस पर काबू पाने में कामयाब रहे हैं, जबकि इटली और अमरीका के अलावा दिगर ममालिक को अफसोस है कि इन ममालिक ने फौरी कदम नहीं उठाया जैसा कि उनको करना चाहिए था। बहरहाल तेलंगाना सरकार और तेलंगाना पुलिस की जानिब से कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के जिमन में कल जनता कर्फ्यू की मुकम्मल तैयारियां कर ली गई है। साथ ही ये उम्मीद भी है कि अगर कल किसी शहरी को इमरजेंसी खिदमात के दौरान मुश्किलात पेश आई तो उसकी मुश्किल भी फौरी दूर कर ली जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, BBN न्यूज। डॉक्टर हाफिज मुजफ्फर हुसैन बंदानवाजी कन्वेनर सूफी ने आज मीडिया से बात करते हुए कल जनता कर्फ्यू के जिमन में आवाम से अपील की कि मोहलिक वायरस कोरोना के खिलाफ लिए गए इस फैसले पर सख्ती से अमल करें। अब रहा सवाल कि ये इत्तला आ रही थी कि कल सुबह 6 बजे या 7 बजे से रात के 9 बजे तक कर्फ्यू था, मगर उस कर्फ्यू में ऑनरेबल गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने एक्सटेंशन किया है कि कल सुबह 6 बजे से, यानी इतवार की सुबह 6 बजे से पीर की सुबह 6 बजे तक जो कर्फ्यू नाफिज किया गया, ज़रूर उसको सपोर्ट करें कर्फ्यू को और उसका एहतराम करें और कर्फ्यू जैसा माहौल ज़रूर बनाएं। कि मेरी आवाम से गुजारिश की जाती है कि जैसा कि कर्फ्यू नाफिज किया गया है उसको रेस्पेक्ट करते हुए अपने अपने घरों में ही उसका एहतमाम कर लें तो बड़ी आयन नवाजिश होगी, ताकि ये भी जो कर्फ्यू को नाफिज किया गया है वो भी मफाद आमा के तहत है, पब्लिक इंटरेस्ट में है, तो उसका भी रेस्पेक्ट ज़रूर करना चाहिए। कि मेरी गुजारिश है कि कल सुबह 6 बजे से परसों सुबह 6 बजे तक जो कर्फ्यू नाफिज किया गया है ज़रूर उस पर अमल करा। इंतहाई फ़ाल और बेहतरीन कारकर्दगी करने वाले पुलिस आफिसरान से भी कि वो भी अवाम अन्नास के साथ बेहतरीन रबता पैदा करते हुए खुशगवार माहौल में उनके अवाम के खुद के मफाद में जो है इसको लागू किया गया है वो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हुए अवाम का दिल जीतें और उनको समझाने की कोशिश करें कि ये सिर्फ और सिर्फ अवाम के मफाद में है कि किसी और। तेलंगाना में एक और कोरोना वायरस का पॉजिटिव केस दर्ज हुआ है। आज एक ही दिन में 3 पॉजिटिव केस दर्ज हुए हैं, जिनमें लंदन से आने वाले 2 अफराद के अलावा इंडोनेशिया के एक 60 साल बुजुर्ग मुबलिग भी शामिल हैं, जो करीम नगर में दीन की तबलीग के लिए आए हुए थे। रियासत में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 19 हो गई है, जिनमें इंडोनेशिया के 10 शहरी शामिल हैं। इन तमाम अफराद को हैदराबाद के गांधी अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। तेलंगाना के काजीपेट रेलवे जंक्शन पर उस वक्त अफरा तफरी फैल गई। स्टेशन पर राजधानी एक्सप्रेस में एक जोड़े के कोरोना से मुतासर होने का शक जाहिर किया गया। फौरी इन दोनों अफराद को पूरी तरह से महफूज करते हुए काजीपेट स्टेशन से ले जाया गया और उन्हें MGM अस्पताल में शिफ्ट किया गया। बताया जा रहा है कि हैदराबाद से निज़ामुद्दीन जा रहा ये जोड़ा राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में सवार था, ताहम इस बोगी में
सवार दूसरे मुसाफिरों ने नोटिस किया कि दोनों के हाथों पर क्वारंटाइन का स्टाम्प लगा हुआ है, जिसकी इतला रेलवे अथॉरिटीज को दी गई, जिसके बाद ट्रेन को काजीपेट स्टेशन पर रोका गया और दोनों को ट्रेन से मोहतात तरीके से निकाला गया। डॉक्टर ने दोनों मियां बीवी को घर पर ही रहने की सलाह दी है। दूसरी जानिब जिस कंपार्टमेंट में ये दोनों मियां बीवी सवार थे, वो पूरी तरह से सैनिटाइज कर दिया गया। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का।